हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से दोस्तों यह सीरीज चल रहा है स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा, जिसके अंतर्गत टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरी, फिजियोथेरेपी, फर्स्ट एड, डोपिंग, मसाज। इन सभी टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस चैप्टर वाइज हो रहा है दोस्तों। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के हैं, एंड डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात अत्यधिक खून न बहे, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए टार्नीक्वेट बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल के दौरान शरीर के अंग पर रगड़ खाने से चोट लगती है, तो उस चोट को हम क्या कहते हैं? दोस्तों, जो रगड़ खा जाते हैं, मैदान के गिर के छिल जाते हैं, रगड़ खा जाते हैं, उसको एब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जल जाने पर सबसे पहले क्या उपचार किया जाता है? तो सबसे पहले हम ठंडा पानी या बर्फ का उस पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है लिगामेंट यानी संधि बंधन स्नायु, जिसे लिगामेंट इंजरी में मुख्य रूप से किस प्रकार की चोट लगती है? दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन। लिगामेंट की चोट को कहते हैं स्प्रेन, जिसे हिंदी में मोच बोला जाता है, लिगामेंट के अधिक खिंच जाने या तनन हो जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल चिकित्सा शास्त्र में RICE से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, RICE से तात्पर्य है R से रेस्ट, I से आइस, C से कंप्रेशन यानी दबाव देना, E से इलिवेशन यानी उठाना हृदय की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय संस्था है? तो ये संस्था है AIASM यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। नेक्स्ट है, खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में तीखे दर्द को क्या कहते हैं? तो खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में यानी डायफ्राम पेशी में जो दर्द होता है दोस्तों, उसको स्टिचेस कहते हैं। नेक्स्ट है, स्पोंडिलाइसिस नामक चोट शरीर के किस भाग में लगती है? तो यह चोट शरीर के वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड में लगती है। नेक्स्ट है, मेटाटार्सल हड्डी के स्ट्रेस फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, तो जो हमारे टखने में मेटाटार्सल हड्डी होती है, वहाँ पे यदि स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाए तो उसको मार्स फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम मार्स स्ट्रेस फ्रैक्चर से नाम मार्स फ्रैक्चर क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अधिकतर देशों के सैनिकों के पंजों में यह फ्रैक्चर पाया गया, इसीलिए इसका नाम मार्स फ्रैक्चर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी बाधा दौड़ और बाधा दौड़ के खिलाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सी चोट लगती है? तो दोस्तों, इसमें ब्रिस्ट हिल फ्रैक्चर नामक चोट लगती है। कौन सा चोट? ब्रिस्ट हिल फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है? तो दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा चोट हमारे एंकल यानी टखने में लगती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं? दोस्तों, जैसे कि जो मालिश यानी मसाज होता है, वो चार प्रकार का होता है, स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूजन, शेकिंग। स्ट्रोकिंग यानी सहलाने की हस्तकौशल विधि, परक्यूजन यानी प्रेशर यानी दबाव की हस्तकौशल विधि, परक्यूजन यानी थपथपाने की हस्तकौशल विधि, शेकिंग यानी मिलाने या झकझोरने की हस्तकौशल विधि। तो यहाँ पे क्या पूछा है? प्रेशर मैनिपुलेशन यानी दबाव की हस्तकौशल विधि जो होता है, वह तीन प्रकार का होता है, नीडिंग, पेट्रिसाज, फ्रिक्शन यानी गुथना, चुकुटना और घर्षण। यहाँ पे नीडिंग जो है वह प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों, जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए होती है? जाहिर सी सोचिए, आप क्यों भोजन करते हैं? क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए, तो क्या आवश्यकता होती है? ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? मलेरिया, डायबिटीज, उच्च रक्त दबाव, क्वाशियोरकर। तो दोस्तों, इसमें जो है संक्रामक रोग जो होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ एंड जल, हवा, पानी और भोजन के द्वारा फैलता है, वह संक्रामक रोग होता है। दोस्तों, यहाँ पे मलेरिया जो है वह संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, श्वसन में परेशानी कहलाती है?
जो शोषण में परेशानी होती है उसको डाइसोफिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइसोफिया। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कौन करता है? तो दोस्तों जिला स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण जिला चिकित्सा अधिकारी करेगा। नेक्स्ट है, हृदय की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की आवाज सुनने के लिए स्टेथेस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टेथेस्कोप का। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती हैं? तो दोस्तों यहाँ पोटेशियम की कमी से हमारी मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। हमारी मांसपेशियों को संकुचन प्रसारण और संदेश वाहक का काम करने के लिए पोटेशियम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रोनिक इंजरी का उपचार किसके द्वारा होता है? दोस्तों क्रोनिक इंजरी यानी कि पुरानी जो चोटें होती हैं उसका जो इलाज होता है वह अल्ट्रा थेरेपी के द्वारा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सूजन को किसके द्वारा कम किया जाता है? तो सूजन को कम करने के लिए कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ठंडा और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विकृतियों को दूर करने में अपनाई जाती है, विकृति यानी जो हमारे पोस्चर डिफॉर्मिटीज होता है, सारी विकृतियां होती हैं उसको दूर करने के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रैक्चर का क्या अर्थ है? फ्रैक्चर का अर्थ होता है हड्डी का टूटना। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, लंबरगो से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यहाँ पे लंबरगो का तात्पर्य है कमर में दर्द। ठीक है। क्या तात्पर्य है? कमर में दर्द। नेक्स्ट है, कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है? तो दोस्तों यह सूजन कम करने में कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है। कंट्रास्ट बाथ में ठंडा और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले ठंडा पानी फिर गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अभ्यास के दौरान उल्टी की अनुमति किसके कारण होती है? तो दोस्तों जब हम कोई अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें उल्टी की जैसा लगता है तो वो हमारे एड्रिनल ग्रंथि के से कारण होता है। किसके कारण? एड्रिनल ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, टेनिस एल्बो नामक चोट किस खेलों में होती है? तो दोस्तों टेनिस एल्बो अक्सर टेनिस एंड बैडमिंटन जैसे खेलों में लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफिलुरेज नामक शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह मालिश से संबंधित है, जैसे कि स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन या सहलाने के हस्त कौशल विधि के अंतर्गत ये एफिलुरेज आता है, जिसमें आपका हृदय के तरफ दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट है, टेंडनाइटिस से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों टेंडनाइटिस से तात्पर्य है टेंडन में जलन। ठीक है। टेंडन में जलन, टेंडन क्या होता है दोस्तों? इस टेंडन जो होता है हमारे मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, थकान का क्या कारण होता है? तो दोस्तों थकान का कारण होता है शरीर में लैक्टिक एसिड का बनना। ठीक है। नेक्स्ट है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित है? जैसा कि आप सबको पता है ये हमारे हाथ में ऊपरी बांह में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें क्या पदार्थ होता है? तो उसमें दोस्तों इथाइल क्लोराइड और मिथेन गैस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पुनर्वास के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज के अंतर्गत किस प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एंड भौतिक प्रतिरोध तथा सर्किट ट्रेनिंग सभी व्यायाम किए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जहां जितना ऊंचाई पर जाएंगे आपको ऑक्सीजन की कमी होगी तथा गुरुत्वाकर्षण बल का कम होगा, हवा का प्रतिरोध कम होगा, हवा की डेंसिटी यानी घनत्व कम होगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट दोस्तों, ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होगी? दोस्तों तो किसी भी चीज में लगातार अभ्यास, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड जो भी होता है दोस्तों उसमें एरोबिक क्षमता का विकास होता है। ठीक है। यहाँ पे एरोबिक क्षमता का विकास होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गर्म वातावरण में अभ्यास करने से खिलाड़ी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो गर्म वातावरण है दोस्तों तो आपको उष्मा थकान होगा, उष्मा आघात होगा। ठीक है। ये दोनों समस्याएं होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों, उष्मा आघात के क्या लक्षण हैं? तो उष्मा आघात के क्या लक्षण हैं दोस्तों? पूरे शरीर में गर्मी महसूस होगा, मांसपेशियों में ऐठन महसूस होगा, सिर व वक्ष में दर्द होगा। उपरोक्त सभी समस्याएं आपको लक्षण दिखेंगे उष्मा आघात में।
ज्यादा गर्मी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, ठंडे वातावरण में अभ्यास करने पर शरीर पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों क्या होता है कि ठंडे वातावरण में मांसपेशी तनाव तथा संकुचन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। मांसपेशी का सख्त होना तथा क्षतिपूर्ति में देरी होती है। ग्लाइकोजन का संग्रह कम होता है। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक खिलाड़ी द्वारा अपने खेल प्रदर्शन के सुधार के लिए गलत रास्ते या गलत तरीके द्वारा प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों अपने प्रदर्शन बढ़ाने के लिए आप गलत रास्ते गलत चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो वो आता है आपका डोपिंग के अंतर्गत। वहीं पे आप अच्छा चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि जो एगोजेनिक एड्स होता है, पोषण के रूप में अच्छे तरीके से अपने प्रदर्शन को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो वो एगोजेनिक एड्स के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैं एर्गोजेनिक एड्स क्या है, डोपिंग क्या है, इसके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। उन सभी वीडियोज को देख करके दोस्तों आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी दोस्तों। और डेली बेसिस से बने रहिए मेरे चैनल पे। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।